इत्यस्य नमस्कारम् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम् नो बजायते। Hey, wow. Hi girls, thank you. Hi handsome. Hi. I'm sorry wo main is umr ka ladkhadana yahan to bahut bura hota hai ya bahut acha. Excuse me. I'm Karan. Hi Karan. वैसे इस लड़खड़ाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ओए क्यों है तेनू? और तेरे गाल पर ये लिपस्टिक का निशान है किसी खूबसूरत होठों का? वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन वो है कौन? है इसी कॉलेज की नटखटी। पर डार्लिंग उसका नाम क्या है? मालूम नहीं। कौन सी क्लास में है? पता नहीं। कमाल है, कौन है जो तेनू दीवाना बना गई और प्यार की निशानी।
एक्सक्यूज मी। ए पूजा, वो पीछे पीछे आ रहा है, आने दे। एक्सक्यूज मी। अरे उसे बात तो कर लो ना। जस्ट शट अप। अरे अरे सुनिए तो यार, हेलो। एक्सक्यूज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कॉलेज में आके यही नॉलेज मिला है आप लोगों को, छोटे बच्चों की तरह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे धीमे बोलो, ये कॉलेज है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं भी इंसान हूँ, तू चिल्ला जाओ। सर वो आपकी बैटरी हमेशा डाउन रहती है ना। शट अप। नई बैटरी खरीदी मैंने, फुल चार्ज की हुई है। मेरी बैटरी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बैटरी क्या हो गया है? तुम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो ना, फर्स्ट ईयर के फ्लोर पे क्या कर रहे हो? सर वो क्या होता कि अचानक सर कमाल यार, कल ही तो बैटरी डलवा दी, चार्ज नहीं। इसके होंठ तो हिल रहे हैं यार, क्या हो क्या क्या? ओके मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए। बस तमीज लोग, सारा मेरा वॉल्यूम इतना बढ़वा दिया, मजाक करते हैं बहनों से, बदतमीज। कमाल कर दिया यार, अब एड्रेस पूछने के लिए क्या करतब दिखाएगा? ए संदीप, सामने से हट, अपने हीरो की सेटिंग चल रही है। अब तो लड़की शहीद। मैं जरा वॉशरूम होकर आऊँ। हाँ हाँ जाना, वापस नहीं आई तो भी चलेगा। शुकरन, वो निकली निकली। अरे मजनू यहाँ है, लैला कहाँ जा रही है? तुम लोग यहाँ ही बैठे हो ना? क्यों? मैं जरा मुँह हाथ धोकर आता हूँ। क्यों क्यों? आई वांट टू फील फ्रेश यार। ओके ऑलराइट बाय। ओए मुँह हाथ धो के नहीं, ना धो के आई, अच्छी तरह ना आई, जल्दी ना आई। हाय पूजा। हाय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। शुरू में ये हाल है तो आगे क्या होगा? What? नहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ पूजा, जिस दिन से मैं तुम्हें देखा, I'm going crazy, you know? क्या हो रहा है यहाँ? सर, दो लेक्चर अटेंड किए, एक फ्री पीरियड था सर। सर दो लेक्चर, ये ऐसा बोलो। सर दो लेक्चर अटेंड किए, एक फ्री पीरियड था सर। क्या पीरियड था? सर फ्री पीरियड। शट अप, नफरत है मुझे, आई हेट दिस वर्ड फ्री। क्या लगा है फ्री 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 फ्री? जा देखो वहाँ फ्री, दो साबुन लो तो एक साबुन का डब्बा फ्री,
दो टूथपेस्ट लो तो एक ब्रश फ्री, दो कोक लो तो ग्लास फ्री, बैट लो तो बॉल फ्री, स्कूल बैग लो तो किताबें फ्री, दो टीचर के साथ एक प्रोफेसर फ्री। आई हेट दिस वर्ड फ्री। आई कांट टेक दिस। सबको फ्रीडम चाहिए, हम सबको फ्रीडम चाहिए था। फ्री तो हो गए लेकिन डम होके रह गए हैं। पढ़ाई में ध्यान दो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज सफोकेशन, सफोकेशन। पढ़ाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है। आप लोग धंधा करके लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे लेकिन वो दौलत पढ़ाई की दौलत के सामने जीरो है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, समझे? चलेंगे। सच बात सबको कड़वी लगती है मगर सच बात यह है कि आज मैं पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर हो गया हूँ, एक कामयाब प्रोफेसर। हर महीने 10,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ और 2,00,000 रुपए मेरे सर पे कर्जा है। मैं कब पीऊंगा यार, बनाए नहीं फ्रीडम। अब तो छोड़ो ना। अरे वो तो भिषा कैरी तोड़ है, चल उसकी खिंचाई करते। अरे वो ये चल 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 खट्टा कैजीवा खायला। अरे खाइले खाइले। क्यों मिश्रा जी, कच्चे आम खा रहे हो, कहीं पैर भारी तो नहीं? पर नहीं, हमारा हाथ भारी है, किसी दिन कान के नीचे उठा के धर दे ना तो सारी बदमाशी नाक से निकल जाएगी। हाँ हाँ, ये करण मिश्रा जी से बच के रहियो भाई, हमेशा दुनाली भर के चलते हैं। अरे मिश्रा जी, आप इसे चलाते भी हैं, यूं ही पड़े पड़े जंग खा रही है। का बोला, मकरी करता है का? पूछ रहा था साला, 2 साल पहले जब कॉलेज की पिकनिक गई थी मधुबला के जंगल में, हम भी साथ गए थे। जब वापस भी हम लौट रहे थे देर रात, तो देखा गाड़ी के सामने 2 शेर। कितना? 2। और हमारा बंदूक में कितना गोली? 2। एक। और एक एक गोली से दोनों को ढेर कर दिया साला। हुई एक गोली में दोनों ढेर? और नहीं तो कहा, शेर को गोली मार दी और शेरनी को आंख, दोनों फिनिश। मस्करी समझता है का? चला फैक्ट है। चल यार करण, निकलते वरना पार्टीशन से पहले के सड़े सड़े जोक मारेगा। अपने कॉलेज की किस्मत भी कमाल है, दो भाई एक ही कॉलेज में, एक बोलता तो चुप होने का नाम नहीं लेता, दूसरा कानों से सुनता ही नहीं है। ये है अशरफुल हक मलिक, आतंकवादी संगठन लश्करे ज़िस्त का सरगना। इसी के इशारों पर आए दिन भारत में बम के धमाके होते रहे हैं, जिसके कारण हजारों बेगुनाहों की जाने गई हैं। कल रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि कई बाहरी ताकतों का पिट्ठू भी है। पूछताछ का सिलसिला जारी रखने के लिए भारत सरकार ने इस खूंखार आतंकवादी को किसी खुफिया जगह पर रखा है। वेलकम आकमाश, वेलकम। हिंदुस्तान की सरजमीं पर तुम्हारा स्वागत है आकमाश। शुक्रिया। पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौत को अपना सफर तय करने में कोई तकलीफ नहीं होती बिरादर। कहर तो अब इस मुल्क पर टूटेगा, क्योंकि अशरफुल हक मलिक को गिरफ्तार करके तुम्हारी हुकूमत ने तबाही को दावत दी है। और हमारी सरकार समझती है कि मलिक साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने आतंक को खत्म कर दिया है। गलत फहमी है तुम्हारी हुकूमत की। ये जंग तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी जन्नत को आजाद नहीं करवा लेते, और ये ख्वाब मलिक साहब की सरपरस्ती के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आकमाश, उन्हें कहां अंडरग्राउंड किया गया है ये तो मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को भी नहीं मालूम है। कहते हैं भेड़िए के पंजे से हिरन को बचाना हो तो उसके बच्चे की गर्दन दबोच लो। हमें इस कोशिश में तुम्हारी पूरी मदद चाहिए बिरादर। इस वक्त मेरी गाड़ी में इतने हथियार और आरडीएक्स मौजूद हैं
जिसके धमाके से यह शहर नक्शे से गायब हो सकता है। बिरादर, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं, मगर इस बार हमारा मकसद धमाके करना नहीं, किसी एक एयरपोर्ट के पूरे स्टाफ और सिक्योरिटी को खरीदने की जिम्मेदारी सौंपने आए हैं तुम्हें, ताकि हम आसानी से प्लेन हाईजैक कर सकें। प्लेन हाईजैक? हाँ बिरादर, उसके बाद तुम्हारी हुकूमत से मलिक साहब की रिहाई की मांग करेंगे। ये रहे तुम्हारे स्विस अकाउंट्स के कागजात। 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे नाम से जमा कर दिए गए हैं, बाकी की रकम हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद। शुक्रिया। काम कब और कैसे शुरू करेंगे? मिशन ऑपरेट करने की जगह, तारीख और वक्त हम तय करेंगे। नहीं आकमाश, तुम इस शहर में हो, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। बाकी सारे इंतजाम शेर अपनी कछार किसी से पूछ कर नहीं बनाता बिरादर। वो तो जहां डेरा डालते हैं, दूसरों के लिए खुद वहां जाना उनकी साथ के लिए अजाब बन जाता है। हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। गुड लक। तेरे पास हिस्ट्री के नोट्स हैं? मैं तो सिर्फ लव स्टोरीज पढ़ती हूँ। ओह माय गॉड, तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। बड़ी रिसर्च के बाद रोमांटिक लाइनें मिली है। हाय स्वीटहार्ट, आई एम मिसिंग यू, प्लीज कम डाउन सून। करण, सीप से मोती और दीप से ज्योति। नहीं नहीं यार, सीप से मोती और दीप से ज्योति भला दूर रह सकते हैं क्या? अरे रोमांटिकली बोल यार। हाँ, किस्मत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया डार्लिंग। वाह, ओके नेक्स्ट, तुम उमंग हो और मैं पतंग। नहीं, तुम उमंग और मैं तरंग। डिफिकल्ट है यार, तुम्हारी ये मखमली बाहें मुझसे ऐसी लगती जैसे मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। टीना, अरे ये कहाँ चली गई? सलमा, ये तो सोती रहती है, ये क्या है? हाय स्वीटहार्ट, आई एम मिसिंग यू, प्लीज कम डाउन सून विद लव एंड किसेस। करण, सीप से मोती और दीप से ज्योति भला दूर रह सकते हैं क्या? स्वीटहार्ट, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। किस्मत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया डार्लिंग। पता है हमारी जोड़ी कैसी है? जैसे कि तुम उमंग हो तो मैं तरंग हूँ, तुम डोर हो तो मैं पतंग हूँ। ओह माय गॉड, कहो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बोल रहा हूँ, तुम्हारी मखमली बाहें मेरे सीने से ऐसी लिपटी हैं जैसे 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 कोई नाग चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ हो। नाग नहीं डार्लिंग, नागिन कहो, नागिन। एग्जैक्टली। पूजा, तीना तुम लिपटी थी? तुम्हीं ने तो मुझे बुलाया था लेटर फेंक कर। क्या पूजा, पूजा हाँ, लेटर तुम्हारे? बनाओ बनाओ कोई बहाना। वेट अ मिनट, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अंडरस्टैंडिंग? अब तुम इसी के साथ चोंच लड़ाओ। पूजा लिसन यार, डोंट एवर ट्राई टू टच मी, इडियट। पूजा प्लीज, पूजा एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो यार। डोंट टच मी, उसी के पास जाओ
जो दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आई थी। दौड़ दौड़ के तो तुम भी आई थी ना। मैं तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आई थी। पूजा ट्राई टू अंडरस्टैंड, लवर तो तुम्हारे लिए था। अरे यार करण, मेरे वो जो नोट्स थे वो देना यार। छोड़ना यार, अरे एग्जाम आ रहे हैं यार, पढ़ना है। जाना है, इतनी टेंशन हो रही है। वेरी फनी। कहाँ गई? पूजा, मैंने वो लेटर तुम्हारे लिए भेजा था। बिलीव मी, डैम इट, आई डोंट। पूजा मेरा विश्वास करो, पूजा वो लेटर तुम्हारे लिए था, मैं सच कह रहा हूँ। क्या है? सॉरी सर। पूजा अगर यकीन ना हो तो टीना से पूछ लो प्लीज। तुम जानो, तुम्हारी टीना जाने। सॉरी सर। You know it. Pooja, I really love you, Pooja. I don't care. Pooja, ऐसे मत कहो, Pooja. मैं मर जाऊंगा, Pooja. Please try to understand, यार. यार ये प्रोफेसर फिर पकाएगा, इस बहरे का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. Pooja. इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इस लड़की को क्या गया है? कहीं मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मुंह हिला हिला के बैटरी को हो क्या गया? कल ही तो मैंने चार्ज की थी। अजीब बैटरी है यार ये। वॉल्यूम फुल कर दो, कर दो, फुल कर दो, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा। मेरा मजाक उड़ा रहे? गो टू हेल। अच्छा ए वेवर खाएगी? जस्ट शट अप। अरे जाने देना यार, गलती उस बेचारे की थोड़ी थी। उसने तो लेटर तुझे लिखा था, गलतफहमी मुझे हुई, मैं जाके उसके गले पड़ गई। ही इज़ इनोसेंट यार। देख तू उसकी साइड तो लेना मत था। तूने तो चांस लिया ही लिया, पर उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे मजे से रोमांटिक होके लैला मजनू के जालक मार रहा था, उसे इतना नहीं पता चला कि वो मैं नहीं थी। ओए होए 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 होए, तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे 24 घंटे में 48 बार से जप्फियां मारती हो। मुझे उस लंगूर की शक्ल भी नहीं देखी। ऐसा मत बोल यार, ही सो क्यूट। तेरे लिए होगा। सो हैंडसम। तेरे लिए होगा। सो डैशिंग। कहा ना, तेरे लिए होगा। इसका मतलब तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर? यस। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी लाइन क्लियर कर दी। अब मैं चली करण के पास। खबरदार, जो मेरे करण को आंख उठा के भी देखा, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। अच्छा तो ये बात है। पूजा, पूजा। वाह, इट्स सो क्यूट। देखना कितने प्यार से माफी मांग रहा है। प्लीज पूजा, आई एम सॉरी पूजा। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ, किसी और के बारे में सोच। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मान लो प्लीज। प्लीज पूजा प्लीज। पूजा प्लीज, पूजा तुम्हारी नाराजगी मेरी जान नहीं लेगी। प्लीज पूजा प्लीज। पूजा प्लीज, आई एम सॉरी पूजा। दिस वॉन्ट हैपन अगेन, आई प्रॉमिस यू, बिलीव मी। ठहरिए। जाइए। कमाल की बात है अखमाश, तुमसे मिलने के लिए अब मेरी भी तलाशी होगी। बुरा मत मानना बिरादर, जो लोग बारूद की तजारत करते हैं उन्हें चिंगारियों से होशियार रहना पड़ता है। वैसे तुम तो हमारे ही आदमी हो। क्या यह जगह तुम्हारे ऑपरेशन के लिए महफूज है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 32 दांतों के बीच में जबान महफूज रहती है। आगे का मूवमेंट क्या है? 112 लोगों की लिस्ट है जो उस रोज ड्यूटी पर मौजूद होंगे। इनमें से 72 लोगों को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, बाकी के लोगों के लिए बड़ी रकम खर्चनी पड़ेगी।
जो मांगते हैं दो। जिस मुल्क में, जिस कंट्री की करेंसी मांगते हैं दो। बस हमारे इस मिशन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नाई बिरादर, हम रकम कामयाबी की देते हैं, कोशिश की नहीं। हमें फतेह चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। अरे सुनिए। जी सर। जरा पूजा वर्मा को बुलाएंगे, FIBCOM। ओके सर। What a pleasant surprise! आप ऐसे अचानक? तुझे देखने को दिल चाहा, सो आ गया। कैसी है? Absolutely fit and fine. अच्छा, इसका मतलब भैया से दूर रहने का जरा भी दुख नहीं? देखिए भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। देख मैं तेरे क्या लाया। रघु, देखे। जी साहब। बैंगल्स! भैया आपको मालूम है मुझे आप कितने पसंद है। So nice of you, भैया। भैया, सिर्फ आम देने के लिए आप मुंबई से पुना खुद आए? किसी के हाथों भिजवा दिए होते। किसी के हाथों भिजवाता तो तेरा ये दमकता हुआ चेहरा कैसे देखने मिलता। रघु। जी साहब। ये सारी पेटियां बेबी के रूम में पहुंचा दो। जी सर। और बोल, तुझे क्या चाहिए? जिसकी हर ख्वाहिश जुबान पे आने से पहले पूरी हो जाए, उसे मांगने की क्या जरूरत है भैया? अब पढ़ाई वढ़ाई कर, मैं चलता हूँ। ओ नो भैया, अभी आए वो चल दिए, मैं नहीं जाने दूंगी। दिस नॉट फेयर, प्लीज भैया। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर आऊंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? आई लव यू। पूजा, आई लव यू टू। देख अपना ख्याल रखना और हाँ, टाइम पे खाना खाना। हाँ हाँ बाबा। बाय बाय। काफी शानदार गाड़ी है, बहुत पैसे वाला लगता है, लेकिन पर्सनैलिटी कुछ ठीक ठीक ही है, और थोड़ा लंबा ऊंट जैसा है, और नाक भी थोड़ी पकौड़े जैसी है। ए! खबरदार जो मेरे भैया के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। भैया, यानी कि मेरे होने वाला साला? Shut up! अरे मिलवाना तो साले साहब से। Come on, पूजा, let's patch up, let's be friends again. आखिर कब तक नाराज रहोगी तुम? Get lost! पूजा, this is too much यार। एक तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे जो समझती नहीं हो। पूजा, गलत फहमी तुम्हारी थी, ओके? और तुम ही गुस्सा दिखा रही हो। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। डोंट टच मी। ए, तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, गुस्सा सिर्फ तुम्ही को आता है? तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अरे वो तो मैं हूँ जिसने आज तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वरना करण के रास्ते में सैकड़ों लड़कियां बिछ लेती हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये भी ट्राई करके देख लो। I love you, damn it. क्या हुआ पूजा? ओह माय गॉड! कहाँ जा रही हो? टाइम देखो करण, आज हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तो मत जाओ ना। ओ कम ऑन यार। मिश्रा, जागते रहो। मिश्रा, जागते रहो। ओह शिट! देखा, मेरे कहा था ना गेट बंद हो जाएगा। रिलैक्स पूजा, रिलैक्स। मिस्टर जी। मिस्टर जी। हेलो। हट 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 हट। मिस्टर जी।
हेलो अबे मिस्टर होट हट हट लगता है तो घोड़े बेच के सो गया अब क्या करें ऐसा करते हैं यही बैठ जाते हैं ओके सर अब बोलो क्या करें एक काम करते हैं चलो कुछ बातें करते हैं बातें हाँ कहा था जल्दी चलो हो गए ना अब लेट सुबह किसने देखा तो पता नहीं क्या होगा रिलैक्स पूजा रिलैक्स टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं अच्छा एक काम करो तुम सो जाओ आओ देखो ना हमको बता दिया होता तो बोरिया और बिस्तर देते तकिए देते आराम सो जाते ये कोई तरीका है हाय महबूब के कंधे पे सर रख के सोने में जो मजा है वो तकिए में कहाँ ये बात बराबर है बराबर बात है शट अप ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है मैं कंप्लेन करूंगी प्रिंसिपल साहब के पास आपकी हाँ कर दो सॉक्स कर दो हम भी प्रिंसिपल साहब को बतला देंगे कि बालाजी प्रोफेसर के साथ तुम्हारा क्या केमिस्ट्री चल रहा है ठीक है तुम मुझे बाद में मिलना है इनको तो मिलने नहीं दे रही हम तो कह रहे बाद में मिलना बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड मे वी कम इन सर कम इन सॉरी सर सॉरी सर क्यों शर्म आ रही है दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तुम दोनों ने हॉस्टल का डिसिप्लिन तोड़ा है इसलिए मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं फॉर 2 डेज यू मे गो नाउ यस वेलकम पूजा ये वो जगह है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ माय होम स्वीट होम मेरा घर सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा भी आओ तो मैं माँ से मिलाता हूँ चलो किसने मारा मैंने क्यों मारा मैं तो कहीं और मारा था लेकिन आप बीच में आ गए तो मैं क्या करूँ चोट लग जाती तो नॉट माई प्रॉब्लम माथा फूट जाता तो योर प्रॉब्लम अरे तू है कौन राहुल मल्होत्रा राहुल मल्होत्रा मैं हूँ करण मल्होत्रा कहीं हम आपस में कुछ लगते तो नहीं मुझे लगता है कि आप मेरे चाचू हैं हाँ मुझे भी यही लगता है कि तुम मेरे भतीजे हो चाचू भतीजे मेरा बच्चा चाचू छुट्टियाँ होगी क्या नहीं यार छुट्टी होगी चाचू हु इज दिस ब्यूटी इस ब्यूटी का नाम है पूजा माय फ्रेंड और पूजा इस नॉटी बॉय का नाम है राहुल माय नेफ्यू हाय राहुल हाय ब्यूटीफुल चाचू ये सिर्फ फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड बदमाश कहेगा माँ दादी जल्दी आओ देखो चाचू अरे करे तू हाय भाभी कैसी हो हाय माँ कैसा है बेटा तू ठीक हो आप कैसी हैं लेकिन अचानक कैसे बस आप लोगों से मिलने का दिल किया इसलिए पहुंच गया आप माँ ये पूजा है नमस्ते। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं नमस्ते माय फ्रेंड गर्लफ्रेंड अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ शाम होने वाली है लेट हो जाऊंगी अरे बेटा करण की फ्रेंड हो पहली बार घर आई हो ऐसे कैसे जाने देंगे बैठो ना हाँ हाँ पूजा आज हम लोग पकौड़े बना रहे हैं
ऐसे खाए बगैर कैसे जाने देंगे? क्यों माँ जी? बिल्कुल, इसी बहाने थोड़ी देर रुकोगी तो हम भी जान पहचान बढ़ा लेंगे तुमसे। बैठो, मैं अभी बना कर लाती। अच्छा बेटा। माँ जी मैं जरा वॉशरूम। हाँ राहुल, करण का कमरा दिखा तो दीदी को। माँ मैं ले जाता हूँ ना। रिलैक्स चाचू, जब छोटे घर में मौजूद हो तो बड़ों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए। हाय करण, बेचारा हैव यू, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ मीट पूजा। पूजा माय बिग ब्रदर। नमस्ते। हाय जी, मैं अभी आई। श्योर, मैं जरा किचन में हेल्प। जी माँ। और सुना क्या हाल है? बड़े डॉलर शोले बना लिए तूने। आओ दीदी आओ, ये कमरा मेरा और चाचू का है, ये बेड मेरा और ये बेड चाचू का, ये रहा बाथरूम और ये रहा टॉवल। थैंक यू। अरे आप फिर से ड्रिंक लेके बैठ गए। कितनी बार कहा है आपसे कि एक पैक से ज्यादा मत लिया कीजिए, लेकिन आप। बाबा एक ही पैक तो ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं पकौड़े तलने जा रही हूँ। पकौड़े? क्या बात है। और सुनो, नींबू के स्लाइसेस भी काट के रख देना टेबल पर। अब वादा किया है तो पैक तो एक ही लूंगा, लेकिन पैक होगा पटियाला। करो मैं आ संभाल के। एक और। थैंक यू सुषमा, नींबू के स्लाइसेस ले आओ। पकौड़े लेगा बेटा तू? नहीं माँ, मैं अभी नहीं लूंगा। वेरी गुड। पूजा स्टडीज कैसी चल रही हैं? जी अच्छी चल रही है। वेरी गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं। पकौड़े खाओ पूजा। खाओ बेटा, ठंडे हो जाएंगे। जी। कुछ गड़बड़ है। अरे पूजा, तुम लेफ्ट हैंड से खाती हो? अरे माँ बचपन से ही। अच्छा, अच्छा? माँ लगता है दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। करण को इसकी बचपन की आदतों का ही पता है। मेरे नींबू के स्लाइसेस क्या हुए? सुषमा, सुषमा। कैसे? सिंपल, चाचू का वो ये कि पूजा दीदी का राइट हैंड छोड़ दे। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे, क्या हुआ भाई? पानी जरा पानी ला दो। पानी लो, जल्दी 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 पानी ले। पानी ले बेटा। सुषमा जल्दी एक ग्लास और पानी ला ना बेटा। लीजिए। क्या हुआ माँ? और चाहिए बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, इसे ठसका लग गया था। पूजा यू ओके? या गुड गुड, संभाल के बाबा। ठीक है। ये मेरा ड्रिंक का ग्लास कहाँ गया यहाँ से? राहुल, मेरा ड्रिंक का ग्लास यहाँ रखा था, कहाँ गया? मैं तो समझा कि वो पानी था, इसलिए मैंने दे दिया। ओह गॉड, ओह नो। क्या हुआ? स्टूपिड। भगवान क्या हो रहा है? पूजा क्या हो रहा है तुझे बेटा? ओके भगवान, लगता है मैं इसे चढ़ गई, मैं इसे घर छोड़ गया था। अरे बेटा ऐसी हालत में तू इसे कहाँ घर ले जाएगा? तू एक काम कर, तू इसे अपने कमरे में लिटा दे। पूजा पूजा उठो बेटा, पूजा उठो, उठा इसे, संभाल के संभाल के। पूजा संभाल के यार। जी I love you. क्या हो रहा है? चल कुछ नीचे भाग भाग। अरे भाई हम सब तो इसी बात से खुश हो रहे हैं कि दोनों सस्पेंड भी हुए तो साथ में। इसे ही तो प्यार कहते हैं, क्यों करण? घर में कौन कौन है बेटा? माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे, बस बड़े भैया हैं जो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देते हैं। फिर तो उन्हें बहुत फिक्र हो रही होगी कि तुम अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। नहीं नहीं माँ, बल्कि जब मैं घर जाऊंगी तो उन्हें सरप्राइज होगा। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मैं सस्पेंड कर दी गई हूँ। और जब उन्हें सस्पेंड वाली बात पता चलेगी तब तो वो नाराज होंगे ही ना? मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं, मैं उनसे कहूंगी कि मेरा उनसे मिलने को दिल चाहा और मैं चली आई। स्मार्ट गर्ल। और वैसे भी माँ, मेरे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, आती रहना। हाँ जी करण। अच्छा छोड़ाना इसे। जी माँ। आप लोग यहाँ? मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। अगर किसी ने आप लोग को यहाँ देख लिया तो मैं मुश्किल में आ सकता हूँ। बुरा नहीं मानना बिरादर, एक पुरानी कहावत है, जब चूहे की दोस्ती नेवले से हो जाए तो उसे सांप से डरने की जरूरत नहीं। ये तो शहर है, हम तो सरहदें ऐसे पार करते हैं जैसे कोई आंगन की दीवार लांघता है। सबूल, जो रकम तुमने मांगी थी उसका दुगना मौजूद है, लेकिन बिरादर अब तुम्हें भी अपने काम की रफ्तार दुगनी करनी पड़ेगी। अभी तो वक्त है अकमाश। वक्त बहुत कम है, मिशन की तारीख बदल चुकी है। तू ऐसे यहाँ अचानक? आपकी याद आई और मैं चली आई। पहले बोल दिया होता गाड़ी भिजवा देता। आपकी गाड़ी पूना जाने में 4 घंटे और वहाँ से आने में 4 घंटे, बस मैंने फटाक से फ्लाइट पकड़ी जटाक से आपके पास। ये कौन लोग हैं भैया? मेरे कारोबारी दोस्त। अखरोट और सेब के बगीचे हैं हमारे। तुम्हारा भाई हमारे लिए एक्सपोर्ट करता है। वाह विजय, बहुत ही प्यारी बहन है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा, अच्छा नाम है। जीती रहो। चलो देख, तू जाके फ्रेश ना पूजा। ओके नाउ। ओके भैया, आई बी बैक इन 5 मिनट्स। अच्छा कुन्नो। हाँ माँ। पूजा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अच्छी है माँ। बस अच्छी है तो जाने दे, फिर उसके बारे में क्या बात करूं? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी है माँ। इसका मतलब है जो कुछ उसने कहा था वो सच है, बताना। हाँ माँ। बड़ा प्यारा सच बोला है तेरी पूजा ने। वो पसंद आ गई ना तुम्हें? बहुत, हम सबको बहुत पसंद आई। एक बार घर में क्या आई, सबके दिल में जगा कर गई। Oh, I love you, man! क्या करता है, देर लग गया सब। मारूंगी मारूंगी, देख सीधा बैठ। ए पूजा, तू खा रही है चक्री है चखाना? अरे बस भैया, एक ही दिन में सब कुछ खिला दोगे क्या? देख तू आई है ना, इसलिए तेरे मन पसंद का खाना बना है, ले बिरयानी खा। नो, अरे माइंड ब्लोइंग है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज यू हैव टू हैव। इसमें इतना घी है। नहीं नहीं, खाना पड़ेगा भैया प्लीज। देख, नो डाइटिंग वाइटिंग प्लीज, भैया के लिए प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है भाई बहन का प्यार देखकर। बेटा तुम आई हो तो साथ घर पे खाना भी खा रहे हैं, वरना हम तो इन्हें आते देखते हैं या जाते देखते हैं। भैया आपने अपनी सेहत खराब करनी है क्या? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप घर में क्यों नहीं खाते? किसके साथ खाऊं, कौन देगा मुझे कंपनी? एनीवे, एक बार तेरी पढ़ाई खत्म हो जाए ना, फिर तू हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, मेरे पास। हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए, क्योंकि वो उल्लू भी यहीं रहेगा जो तुझसे शादी करेगा। साउंड्स डिफिकल्ट। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम हफ्ते भर के लिए यहीं रहो। हफ्ते भर के लिए? नहीं नहीं भैया, मेरा कॉलेज है, उसकी अटेंडेंस। नथिंग डूइंग, प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा। प्रिंसिपल से? नहीं नहीं भैया, मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ पे मैं रहती हूँ ना। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हेलो पूजा, तुम्हारी पैकिंग होगी? एवरीथिंग सेट? आई एम सॉरी करण, मैं नहीं आ सकती, भैया ने मुझे हफ्ते भर के लिए रोक लिया है। क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? और मुझे तो कॉलेज के लिए मैच भी खेलना है। वी विल डेफिनेटली लूज यार। ऐसा मत कहो करण, ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है।
वो मुझे नहीं मालूम। अगर तुम चाहती हो कि मैं जीतूं, तो तुम जरूर आओगी। समझने की कोशिश करो ना प्लीज, मैं नहीं आ सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट यार, मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। समझने की कोशिश करो करण, प्लीज। आई मिस यू करण। आई मिस यू टू, बाय। भैया कितने दिनों से शहर में भूचाल नहीं आया? पता नहीं, आज आने वाला है, क्योंकि मैं घर की सारी चीजें तोड़ने वाली हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे घर बिठाकर आप बाहर जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, रात तक लौट आऊंगा। रात तक? और मैं यह दिन पर अकेली? नथिंग डूइंग, आप कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पूजा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा तू एक काम कर, ये रख पैसे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा। ओके। रिश्वत? रिश्वत नहीं पगली, प्यार। अच्छा आई एम गोइंग, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय। लेकिन भैया हेलो डॉल्फिन एयरलाइंस जी, मैं पूजा वर्मा बोल रही हूँ। मुझे अभी सुबह की मुंबई टू पुणे और शाम की पुणे टू मुंबई की कंफर्म टिकट चाहिए, मिल सकती है? यस मैम, इट्स कंफर्म्ड। ओके थैंक यू। करण जी आया, चल चल। क्या यार करण, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? कम ऑन करण, प्ले आवर गेम यार, अदरवाइज वी विल लूज यार। अगर ये मैच हम हार गए ना, तो ये जिम्मेदारी तुम पे होगी। मैं खेलता रहा हूँ ना, और दिल से नहीं, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। अरे अगर तेरा दिल तेरे बस में नहीं है तो हम क्या करें यार? करण पूजा। चलो उनका फट्टे टक दे, चल चलिए। बहुत लेट हो गए, कम ऑन करण प्लीज जल्दी करो। एक मिनट एक मिनट, आई एम गेटिंग लेट करण प्लीज। आज रुक जाती तो अच्छा था ना पूजा। मैं तुम्हारे लिए आ गई वही बहुत है, भैया को पता चला तो जान ले लेंगे मेरी, प्लीज। लेकिन अभी अभी फ्लाइट को टाइम है यार। करण प्लीज, आई एम गोइंग। अरे पूजा लिसन लिसन, एक मिनट, किस दोनों एक प्लीज, एक ही एक ही। ओके आई एम गोइंग। अरे पूजा सुनो सुनो, एक मिनट, एक एक इधर भी प्लीज। ओ माय गॉड, ओके आई एम गोइंग करण प्लीज। पूजा लिसन लिसन, एक फोरहेड पे, एक एक ही लास्ट प्लीज। लास्ट? हां हां, लास्ट लास्ट। ओके बाय। पूजा लिसन, एक यहां, एक मारू। पूजा लिसन, आई लव यू। आई लव यू। या मुंबई सिक्योरिटी चेक इज ऑन। या 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 आई सी टू दैट। ओके मैम। हाँ सेफ जर्नी, थैंक यू, टेक केयर पूजा।
योर बॉडी गार्ड प्लीज हियर इज द बैक साइड B21 योर सीट थैंक यू मे आई हेल्प यू प्लीज एक्सक्यूज मी सर प्लीज कीप योर बैग हियर कप्तान नईम खान पुणे से मुंबई की दूरी 20 मिनट में तय की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियम एक्सक्यूज मी यस प्लीज G24 ओवर देयर सर एक्सक्यूज मी थैंक यू यू वेलकम मैंने बोला आवाज नहीं ये प्लेन हाईजैक हो चुका है अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे समझे ये प्लेन हाईजैक हो चुका है इसे ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड करो लेकिन कुछ नहीं जैसा मैं कहता हूं वैसा करो वरना गोली मार दूंगा राइट हेलो हेलो कंट्रोल टावर एक विशेष रिपोर्ट अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है कि पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है विमान में 118 यात्री सवार है एक मिनट मुंबई और पुणे के बीच विमान को एक पुरानी हवाई पट्टी पर उतारा गया है विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में है इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वह गृह मंत्री के संपर्क में है अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है इस विषय में सारे समाचार हम अगले बुलेटिन में देंगे करण जिस फ्लाइट में तू पूजा को छोड़ कर आया है वो प्लेन हाईजैक हो गया है क्या पूजा का प्लेन हाईजैक हो गया मुझे एक मैसेज देना है लाओ कम अप हम तुम्हारे चैनल के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं एक विशेष सूचना पुणे मुंबई हाईजैक हुए विमान में उग्रवादियों ने हमारे एक संवाददाता को बुलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है देखिए उसका सीधा प्रसारण हम लश्कर-ए-ज़ीस्त इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं
और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है। और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की तो? मैंने छाड़ दिया जी। अगर 2 घंटे के अंदर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके हर आधे घंटे के बाद यहां पर एक लाश गिरेगी और हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। पूछा ये वक्त कैसे? जल्दी करो, फास्ट। Hurry up! Pick up the phone! Pick up the phone! जल्दी करो। किधर जा रहा है बिरादर? आकाश, मेरी बहन, वो मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है, वो उसी प्लेन में है। तो हुकूमत ने तुम्हारी मांगे पूरी करने में आनाकानी की तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे। एक बहन के खोने के ख्याल से इतनी तकलीफ? हमने हजारों भाइयों को गवाया है, हजारों बहनों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा है। आज भी वो मातम है कि चीखों से बर्फ में दरारें पड़ जाती है। जब हमने आवाज उठाई तो बागी कहलाए और जब हथियार उठाया तो आतंकवादी। पूछो अपनी हुकूमत से किसने बिछाई हमारी झीलों पर बारूद, किसने दिए सेब उगाने वालों के हाथों में हथियार। तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजार ने 30 साल का सफर तय किया है। अब सर पर कफन बांध लिया है हमने, अब यह 2.5 गज का कपड़ा तुम्हें ढांकने के काम आई या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंग में जो बीच में आएगा वो मरेगा, मरेगा वो। डू यू अंडरस्टैंड मी? पुणे से मुंबई जाने वाले विमान का कुछ उग्रवादियों ने आज अपहरण कर लिया है। विमान के कर्मचारी और यात्री उग्रवादियों के कब्जे में हैं। अभी तक इस अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस विषय में सारे समाचार। दादी, ये तो पूजा चाची है। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये हुक्म देता हूँ कि हमारे जहाज का पेट्रोल टैंक फुल कर दिया जाए। सिचुएशन काफी नाजुक है, हमें उनकी पहली शर्त मानकर जहाज में फ्यूल भरवा देना चाहिए ताकि हमें कोई डिसीजन लेने का वक्त मिल जाए। प्लेन में रिफ्यूलिंग शुरू की जाए। हाँ, हमें जवाब दीजिए, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? विमान का अपहरण हुए आधा घंटा बीत चुका है। इस बीच उग्रवादियों ने विमान में पेट्रोल भरने की भी मांग की है। यात्रियों की रक्षा के लिए सरकार ने उनकी इस मांग की मंजूरी दे दी है। जल्दी करो, जल्दी करो, कमान कमान, हरिया हरिया। सतनाम वाहेगुरु मेर करी। एक्सक्यूज मी बाबा जी, ओए तू कौन है? मुझे आपकी मदद चाहिए। कितों आ गया? ओ तेनू इत्थे किसने आण दिता?
बाबूजी मुझे कुछ बोलते तो पता नहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है बाजी, मैं अच्छा बहुत टेंशन है, मैं सिक्योरिटी बुलाना। ओए सिक्योरिटी, बाजी सर ना करो बाजी, पकड़ो यार। मैं यहां क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। क्या कर रहा है यार तू, माफ करा रहा है मेरे से यार तू। बाजी बाजी मुझे आपकी मदद चाहिए बाजी। और की मदद चाहिए? मदद चाहिए तो आर्मी को जा, पुलिस को जा, मेरे को क्यों आया? जा बाजी, वो मेरी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ यार? बाजी मैं आपको समझाता हूँ, आप वहाँ पेट्रोल भरने जाएंगे ना, हाँ, बस अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं उस जहाज तक पहुँच सकता हूँ। अरे तू पागल है, शदाई है, तेरे प्योतर आ जाए, अंदर आतंकवादी, उनके हाथ में हथियार है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, और तेरी तो जान जाएगी, मेरी तो नौकरी जाएगी। पापा जी मेरी गर्लफ्रेंड उस प्लेन में, पापा जी मेरा प्यार है अंदर, पापा जी मुझे हर हाल में उधर पहुँचना है, प्लीज पापा जी। तो मैं क्या करूं यार, देख मेरी दो बड़ी बड़ी कुड़िया ने एक दफे अगले हफ्ते मेरी ये नौकरी चली गई, तो मैं क्या करूंगा? तू जाए यार, प्लीज यार। अगर आपकी बेटी उस प्लेन में होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज पापा जी, आपको आपकी बेटी की कसम पापा जी, प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज। मर गया तो अकेला ही मरूंगा, और जीत गया तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। उठ पुत्रा उठ, वाहेगुरु तेरा काम करेगा, वाहेगुरु तेरी मदद करेगा। ले कपड़े बदल। सुन वह चल गया, जहाज के अंदर आतंकवादी, चारों पासे खतरा ही खतरा, और तेरी निक्की जी जान है यार, ते तेनू अपनी जान का कोई खौफ नहीं? जान तो मेरे उस प्लेन के अंदर है पूजा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जान का की फायदा? सुने सी इश्क विच बड़ा जुनून होंदा है, अज वेख भी लिया यार, कुर्बान गया यार, मैं तेरे जुनून तो कुर्बान गया। बोले सोनिहाल सत सत्यकाल। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अगर इसी तरह देर होती रही तो हम लाशें गिराने का सिलसिला शुरू कर देंगे, और इन लाशों का सहरा भारत सरकार के सर होगा। सतना भाई गुरु, वाह बाबे वाह। एक मुजरिम को सलाखों के पीछे रखने की कीमत 118 बेकसूर लोगों की जिंदगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अशरफुल हक मलिक को रिहा कर दिया जाए।
ने आतंकवादियों को मार गिराया। कम ऑन, everything's okay. मलिक को फिर से हिरासत में ले लो। ओके सर, गेट बंद करो। आज के मुख्य समाचार, उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्करे जीस्ट के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। पता करो कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है। हमसे टकराने की जरूरत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की तो फिर ये जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ किस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। किलेम, पूजा, पूजा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी पगली, चंद घंटों में हजारों मौत मरा हूं मैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि। लेकिन तू उस प्लेन में पहुंची कैसे? तुझे तो मैं घर छोड़ के गया था। वो क्या है भैया, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप रात को लौटने वाले थे, तो मैंने सोचा कि तब तक तो मैं जाके आ भी जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि वापसी में प्लेन हाईजैक हो जाएगा। आई एम सॉरी भैया, दोबारा ये गलती नहीं होगी। I love you too, भैया। मिस्टर करण मल्होत्रा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप देखते ही देखते नेशनल हीरो बन गए, जिसके लिए सरकार ने आपको वीरता पुरस्कार भी दिया। थैंक यू। पर जहां आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं जी, वहां उन्हें हैरानी इस बात की है कि आपको प्लेन का खुफिया रास्ता कैसे मालूम था। बचपन से ही मुझे पायलट बनने का शौक था,
क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, मैं हमेशा उनसे प्लेन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा करता था, इसलिए मुझे मालूम था कि कार्गो होल्ड के जरिए अंदर एंटर कैसे किया जाता है। आप के अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि उनके पास बंदूकें थी और आप निहत्ते ही अंदर घुस गए? जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जुनून की जरूरत होती है, और जुनून में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अच्छा, वो कौन सा जुनून था जिसने आपको जान की बाजी लगाने पर मजबूर कर दिया? मोहब्बत, प्यार, इश्क से बड़ा कोई जुनून नहीं है, और उस प्लेन में मेरी मोहब्बत थी, बस उसी को बचाने के लिए मैं कूद पड़ा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, वो जो हमारे मुल्क और शांति के दुश्मन है, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरहदों पर खड़े हुए सिपाहियों से टकराना तो बहुत दूर की बात है, उन जैसों के लिए तो हिंदुस्तान का एक आशिकी काफी है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट। आज हमने आपकी मुलाकात नेशनल हीरो करण मल्होत्रा से। वो टोनी को कितने साल हो गया? अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। पकड़ो। ठीक तो है ना? बच गया यार, बस गोली छूकर निकल गई। लेकिन यार करण, हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं यार, फिर ये लोग हम लोगों को क्यों मारने आए थे? तुम लोगों को मारने नहीं आए थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम लोग वैभव को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं पूजा को घर छोड़ के आता हूँ। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। लेकिन जनाब, यहाँ की हुकूमत इतनी चौकन्नी हो चुकी है कि इस वक्त हमारा कोई भी गलत कदम हमारी गिरफ्तारी का सबब बन सकता है। जनाब आप बेफिक्र रहिए, मलिक साहब को छुड़ाने का हमने एक दूसरा प्लान बना लिया है, उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। जी जी, शुक्रिया। जनाब एक बुरी खबर है, उस लड़के को मारने की कोशिश में सबूल और मुजम्मिल दोनों मारे गए। और वो लड़का? वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हाँ, ऐसा करते हैं कि पूजा, व्हाट हैपेंड टू यू? ये क्या हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आर यू ऑल राइट? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सहमी हुई है। तुम यहां कैसे? वो भैया, ये करण, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये तुम्हारे साथ? वो क्या हो कि हम सब एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे कि वो अचानक कुछ लोग घुसाए और हम पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो आप किस्मत कही है जिंदगी जो ये बच गई। मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि वो लोग मुझे ही मारने आए थे। तुम्हें? जी हाँ,
118 लोगों की जिंदगी बचाने का इनाम देने आए थे, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किन लोगों की बात कर रहे हैं? वही जिनके मंसूबों को नाकाम बना दिया मैंने बड़ी हाई चैकर से। और ताजुब की बात तो यह है कि सन 71 से 2001 तक, यानी कि 30 सालों में भी ये बेवकूफ आज तक नहीं समझ सके कि चीटियां तादाद में कितनी भी हों, कन्ना खसीट कर नहीं ले जा सकती। किन लोगों को भेजा था तुमने उस लड़के को मारने के लिए? एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी? आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था, हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस जाने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे यह पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी, और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। आई लव हर टू मच, डू यू अंडरस्टैंड? बस कितनी खाएगा? क्या दिन भर अपने आप को थकाती रहती हो माँ, तुम्हारी उम्र आराम करने की है। अरे बहू, मैं दूध रख के आई थी, देख तो। हो जाती हूँ मैं भी आजकल। अब भाभी भी अकेले क्या क्या करेंगी माँ, उनकी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। चाचू और दादी को बहुत मस्का मार रहे हो। अरे चाचू, कम टू द पॉइंट यार। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी कोई ले आऊं जो आपके साथ दिन भर रहेगी, काम करेगी, आपके हाथ पैर भी दबाएगी, और वो भी फ्री में। इतना काम तो कोई पराई नहीं, बहू रानी ही कर सकती है। हाँ। ऐसा क्या? तो बहू रानी से ही? शैतान, तू की बात कर रहा है? क्या बात है, बहुत लाड हो रहा है। बेटा, कल तू क्या कर रहा है? क्यों माँ? इसके रिश्ते की बात करने पूजा के घर जाना है। क्या बात है। लेकिन माँ, कल जरा मुश्किल है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। बेटा, ऐसा क्या काम करता है तू? जब भी घर का कोई जरूरी काम होता है तू नहीं होता। अरे भैया, ऐसा मत करो प्लीज, चलिए ना आप। समझा कर करण। माँ, आप लोग जाके मिलाओ, आगे की सारी भागदौड़ मैं संभाल लूंगा। और सुन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए। वाओ, ये चाची का घर है या महल? तेरा चाचा भी किसी राजा से कम है क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा। पैर पहना। जीती रहो। आइए ना मम्मी। चाची ने चाचू के पैर क्यों नहीं छुए? छुएंगी बेटा, पहले चाची बंद तो जाने दो। भैया आ गए। भैया, आप है करण की मम्मी। नमस्ते माँ जी। करण की भाभी। नमस्ते। प्लीज आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। नमस्ते अंकल। हाय स्वीटी। और आप मेरे पास बैठो। चाची, मैंने अपना कमरा आपको दिखाया था ना। हाँ? आप भी मुझे अपना कमरा दिखाया ना। चलो चाचू, चलिए ना। प्लीज चलिए। इतना लाड़ प्यार में पलने के बाद भी पूजा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं है, और तुम्हारी तो तारीफ करते नहीं थकती, क्यों न करे। बराबर के होने के बावजूद माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। वाओ, चाची क्या कमरा है। चाची, आपके पास कार्टून है? हाँ है, देखोगे? आई डोंट माइंड। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों ने तो एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया है। पूजा तो बच्ची है, अच्छा बुरा परखने की समझ का है उसमें। मानती हूँ बेटा के हैसियत में हम लोग आप लोगों से बहुत कम हैं, लेकिन भगवान ने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। यकीन करो, उस घर में इतना है कि तुम्हारी बहन 7 जन्म सुख से गुजार सके। मुझे तो 7 दिन भी मुश्किल नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूजा मेरी इकलौती बहन है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसका गलत फैसला भी मान लूं। मतलब? मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। नहीं बेटा, उनका दिल टूट जाएगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि दहेज में तुम्हारे भाई से मैं क्या क्या मांगूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पूरी जिंदगी तुम्हें मुफ्त में झेलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 जन्म तक।
जो बात मुमकिन नहीं उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ छोड़ा मां जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। मुझे लगता है बेटा कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर रहे हो। देखो ये उनकी जिंदगी का सवाल है, उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि बस बस माँ जी बस। करण, 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 क्या हुआ भाभी? इन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों भैया? इस इनकार की वजह जानने का हक है मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ विजय साहब। माँ जी आपके तो दो बेटे हैं ना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि उन दोनों में से किसे प्यार करती हैं आप, तो आप शायद किसी का नाम ले भी लें, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि उन दोनों में से किसको गोली मार दी जाए, तो किसी का नाम लेंगी आप? फिर मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है, 8 साल की उम्र में भाई से पाप बन गया था मैं, भूख गरीबी जमाने से लड़ते हुए पाला मैंने उसे, दुनिया की हर खुशी दी, और आज एक जिद के कारण मैं उसे मौत तो नहीं दे सकता ना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तू नहीं समझेगी पगली, मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है, आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे, और उसके साथ बलि चढ़ेगी तू। बस इसलिए मैं तुझे करण से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तुम ही बताओ करण, एक भाई होने के नाते क्या मेरा ये फैसला गलत था? अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो? तो बेशक ले जाओ उसे, मैं रुकूंगा नहीं। समझ गई बेटा कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों था। कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत भी तो नहीं देते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि चुटकी भर सिंदूर भर के तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लूं। विजय साहब संभालिए अपनी बहन को। नहीं करण, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पूजा, मत जाओ मुझे छोड़ के करण। भैया रोको उसे, मेरी जिंदगी बचाने में करण की जान खतरे में आ गई, मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? प्लीज करण मुझे मत छोड़ो, करण। आशिकाना दिल आशिकाना ये दिल। ये दिल
मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है। आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे और इसके साथ बलि चढ़ेगी तू। अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो तो बेशक ले जाओ इसे, मैं रोकूंगा नहीं। क्या हालत बना रखी है? तूने कभी ये सोचा है कि तुझे इस हाल में देखकर तेरे भाई पर क्या गुजरती होगी? चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है भैया। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या हाल होगा बेटा? अच्छा जूस तो पी ले। गले से नहीं उतरेगा। जब तक तू शहर में रहेगी तेरा यही हाल रहेगा, इसीलिए मैं तुझे पूना मांडी के पास अमेरिका भेज रहा हूं। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दी है। पर भैया ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो पूजा, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आई विल कमिट सुसाइड। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजो करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। एंड आई मीन इट करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम अमेरिका से, मैं आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ये क्या पागलपन है पूजा? तुम्हारी जिंदगी के खातिर ही तो तुम्हारी जिंदगी से दूर गया हूं मैं, और तुम अपनी जान लेने पर तुली हो। हम एक दूसरे से दूर से ही पर एक जगह तो थे, मगर अब तो भैया मुझे अमेरिका भेजे करण, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो चली जाओ पूजा। क्या? चली जाओ, यहां रहेंगे तो मिलेंगे, कम से कम वहां तुम्हारी जिंदगी महफूज तो रहेगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें तुम्हारा साथ नहीं करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो। टेक दिस।
ये मेरी बदनसीबी रही तो और क्या है, मैं तुम्हारे पास रहू या दूर, दुख के सिवाय मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी है। तुम मौत से पहले के जितने पल लिखे हैं मुझे अपने साथ गुजारने का मौका दे दो। तुम्हारी बाहों में मरूं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब सुहागन समझूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो करण, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो करण, वरना अपने आप को बाहर डालूंगी। हमें दिल मर से हम करण, प्लीज तुम्हारी कसम मैं अपने आप को बाहर डालूंगी करण, प्लीज। आई लव यू करण, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज ले चलो, प्लीज मार डालूंगी अपने आप को, जो होगा मिलके सामना कर लेंगे करण, मिलके सामना कर लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो पूजा ले चलो, चलो यहां से भाग चले, लेट्स गो। पूजा पूजा कहां चली गई है? भैया मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ करण के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। करण कमीने! अकबाश, वो आराम कौन मेरी बहन को भगा ले गया है? मुझे मेरी बहन चाहिए, किसी भी तरह मेरी बहन को ढूंढ निकालो। तुम बेफिक्र रहो बिरादर, उस बेवकूफ ने यह हरकत करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। मिस्टर विजय वर्मा, सीबीआई, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर विजय वर्मा, पुणे मुंबई प्लेन हाईजैकिंग से आपका क्या कनेक्शन है? व्हाट नॉनसेंस, मेरा उन लोगों से क्या वास्ता? अच्छा, उस प्लेन में मौजूद एक टेररिस्ट का मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट गया था और उसके सिम कार्ड पर आखिरी नंबर आपके मोबाइल का था। ये देखिए, अभी आपको कुछ कहना है? जैसे हो ना खर, इश्क एक आग है, चलना तो पड़ेगा, कठिन है रास्ता मगर चलना तो पड़ेगा। Stop!
चोट तो नहीं लगी? जब दिल लगाओ तो किसी चोट का एहसास नहीं होता करण। समझता है कि सैकड़ों गोलियां चली और तू बच गया? इतना खुश नसीब नहीं है तू, तुझे तो जिंदा रखना ही था, क्योंकि तेरी ये सांसें अशरफुल हक मलिक की जिंदगी की जमानत है। अभी अभी आपने जो वीडियो टेप देखा है उससे आपको यह पता चल गया होगा कि आपका नेशनल हीरो अपनी महबूबा के साथ हमारे कब्जे में है। इस टेप की कॉपीज हमने तमाम प्रेस वालों को भी भिजवा दी है। अगर कल शाम तक आपने मलिक साहब को रिहा नहीं किया तो इनकी मौत की जिम्मेदार आपकी सरकार होगी। मलिक साहब को कहां लाना है या आपको हमारा एजेंट विजय वर्मा बताएगा जो इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है। लग रही है हाँ।
करण, ऐसा क्यों होता है? क्या मोहब्बत करके दिल से डर क्यों निकल जाता है? विमान हाईजैक को नाकाम बनाने वाले नेशनल हीरो करण मल्होत्रा इस वक्त उग्रवादी अखमाश जलाल की कैद में है। उसने सरकार से ये मांग की है कि 12 घंटों के अंदर उसके सरगना अशरफुल हक मलिक को रिहा कर दे, वरना करण मल्होत्रा की मौत का जिम्मेदार वो भारत सरकार को ठहराएगा। पूरे भारतवर्ष में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। जनता ने जगह जगह जुलूस निकाल कर चेतावनी दी है कि हर कीमत पर नेशनल हीरो की रक्षा की जाए, वरना वो हिंसा पर उतर आएंगे। इस विषय में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। फैसले में देरी होने के कारण अब तक लोगों का क्रोध प्रदर्शन जारी है। सर, सारे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि करण मल्होत्रा की जिंदगी की हिफाजत सरकार का जिम्मा है। आप अंदर भेज जाते हैं। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, इस तरह बिना इजाजत अंदर आने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे की जिंदगी और मेरी होने वाली बहू की जिंदगी का सवाल है। कौन है आप? मैं करण मल्होत्रा की माँ हूँ। एक दिन उसकी बहादुरी पर आप ही लोगों ने उसे वीर चक्र दिया था। आज वही बहादुरी उसकी मौत का कारण बन गई है। आप लोग देश की कत्ता धरता है, आप मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दामन फैलाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। आपका बेटा हमारे देश का गौरव है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आईजी साहब जी, टेररिस्ट मलिक को रिहा कर दिया जाए। राइट सर। वतन फरोश हमारे हाथों बिका हुआ है। हमारी हर साजिश में बराबर का शरीक है तुम्हारा भाई। हमने तुम्हारी शर्त पूरी की, तुम उन दोनों को हमारी तरफ भेज दो, हम इन्हें तुम्हारी तरफ रवाना करेंगे। जाओ। ज्यादा दिनों तक लिपटी रही, तेरी वजह से उस काल कोठरी का अंधेरा
मुझे कुछ ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करना पड़ा। अंधेरा तो तुम लोगों का मुकद्दर बन चुका है। तुम किराए के टट्टू हिंदुस्तान के टुकड़े करोगे? कसम भारत मां की, अगर हिंदुस्तान के हर घर से सिर्फ एक लोटा पानी भा दिया जाए तो तुम्हारा मुल्क नक्शे से ही बह जाएगा। आजादी मुबारक हो तुमको भी। कैप्टन स्टार्ट द इंजन। ब्रेक स्टॉप।